एक और कमाल की जीत हम सभी को आरसीबी की टीम की तरफ से देखने को मिली और किस वक्त पे आया है ये जीत, और ये जीत इम्पॉर्टेंट था आरसीबी की टीम के लिए, आरसीबी के फैंस के लिए, ताकि वो प्लेऑफ के दौड़ में बनी रहे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की बात करें तो अभी भी मैथमेटिकली यहाँ पे प्लेऑफ पे पहुँच सकती है। हाँ, थोड़ा सा दूसरी टीमों की तरफ यहाँ पे डिपेंड रहना पड़ेगा आरसीबी की टीम को, एंड थोड़ा सा रन रेट को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा आरसीबी की टीम को। और आरसीबी के फैंस के लिए, आरसीबी की टीम के लिए हर मैचेस यहाँ पे आईपीएल के उनको नजर रखना पड़ेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे टीमों को तरफ देखना पड़ेगा। एंड राजस्थान रॉयल्स की टीम को जीतना जरूरी है, हैदराबाद की टीम का जीतना जरूरी है, अपने बचे हुए मैचेस उनको जीतना पड़ेगा। और आरसीबी की टीम की बात करें तो अपना अगला मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेलने वाली है गुजरात के अगेंस्ट, एंड फिर से गुजरात के अगेंस्ट आरसीबी की टीम खेलेगी। तो आरसीबी की टीम को अपने सारे मैचेस यहाँ पे टेक्निकली यहाँ पे जीतने पड़ेंगे, तब यह प्लेऑफ के लिए बने रहेंगे। तो अभी तक आरसीबी की टीम वो काम कर रही है। अब बात करते हैं आरसीबी के टीम के बारे में, कल के मैच के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। कल का मैच कमाल का मैच देखने को मिला, एंड मुझे ऐसा लगता है अब आरसीबी की टीम ने अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन गाइस यहाँ पे ढूंढ लिया है। एंड 11 जो खिलाड़ी ढूंढ रही थी आरसीबी की टीम, इतने समय से उनको मिला नहीं था, लेकिन अब आरसीबी की टीम को मुझे ऐसा लगता है कि मिल चुकी है। अगर हम स्वप्निल सिंह की बात करें, उन्होंने पावर प्ले में आके विकेट चटका दिया। इसके बाद हम बात करें फास्ट बॉलिंग की, वहां पर भी हम सभी को कमाल की बॉलिंग देखने को मिली। कैमरन ग्रीन कल थोड़ा सा महंगे साबित हुए, लेकिन अच्छी गेंदबाजी उन्होंने किया, एंड आरसीबी की टीम ने काफी अच्छा गेंदबाजी किया, मेरे अकॉर्डिंग उन्होंने अच्छा गेंदबाजी किया। एंड उसके बाद बात करेगा इस यहाँ पे बैटिंग की, विराट कोहली अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं, एंड उसके बाद जो विल जैक्स ने किया, कमाल का परफॉर्मेंस उन्होंने करके दिया आरसीबी के टीम को। फैब डु प्लेसी आते ही फायर कर रहे हैं, एंड जो कि बहुत ही अच्छी बात है आरसीबी के फैंस के लिए, स्पेशली आरसीबी के टीम के लिए भी, क्योंकि पावर प्ले में आपको रन बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और फैब डु प्लेसी वो काम कर रहे हैं आरसीबी के टीम के लिए। विकेट गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट रन रेट हमेशा ऊपर रहना चाहिए आरसीबी की टीम की, और यही काम किया। एंड उसके बाद जब विल जैक्स ने पकड़ा, विल जैक्स ने 16 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया, एंड यहाँ से थोड़ा सा आरसीबी के रन रेट पे भी थोड़ा सा, अगर आरसीबी की टीम चाहती है ऐसी प्लस पॉइंट उनका होता रहे रन रेट में, तो उनको बचे हुए मैचेस जीतने पड़ेंगे और जल्दी मैच को फिनिश करना पड़ेगा आरसीबी की टीम को। ये बात ध्यान में रखना होगा आरसीबी के टीम को। सो आरसीबी फैंस, अभी भी आरसीबी की टीम क्वालिफाई कर सकती है, बिल्कुल भी आप अपने होप को लूज मत कीजिएगा, अभी भी हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा दुआ करना पड़ेगा, एंड थोड़ा सा दूसरे टीमों को सपोर्ट करना पड़ेगा कि ये टीमें जीत जाए, और मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो बना दूंगा कि आज हमें कौन से टीम को सपोर्ट करना है, आप लोग उस टीम को सपोर्ट कीजिएगा, मैं स्पेशली आपके लिए वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, और साथ ही में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए।